हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस प्रेम बच्चन पे। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये जो सीट से पानी गिर रहा है, इसको हम सही करेंगे। ये शार्पन की दिक्कत है कि बॉल कोक में दिक्कत है, तो हम इसमें एक तो खोल रखा है नट बॉल। खोलने के बाद आप इसको नीचे इसको दबा के बाहर की तरफ खींचेंगे, निकल जाएगा इसे दबा के। ये जो है बॉल कॉक है, पानी पूरा भर गया है। ये बॉल कॉक की दिक्कत है, जैसे आप देख रहे हैं ये पानी जो है पूरा फ्राई पैन के ऊपर से जा रहा है, ना कि नीचे से। ये जो दिक्कत है बॉल कॉक की दिक्कत है, तो इसको हम खोल के बॉल कॉक को साफ करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ बॉल कॉक इसका कैसे निकलता है। जैसे आपको दिख रहा है पानी इधर से पानी जा रहा था, इधर से नीचे जा रहा है, सीट में गिर रहा था पानी, ना कि बॉल से। तो ये जो है, ये जो हेल्डिंग जैसा दिख रहा है आपको नीला सा, ये इसका वॉल है। इसको आप बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसको खोलने के लिए एक ये जो है इसको हम ऊपर करेंगे। ये जो लॉक है ये इस तरह से रहता है, अब इसको ऊपर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये पानी, जो खारे पानी का जो नमक है वो जम गया है। खारे पानी का नमक जम गया है इसके अंदर, इसलिए क्या कर रहा है, ये बॉल को रोक रहा है, बॉल बंद नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो इसको साफ करते हैं और फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो मैं तो इसी से साफ कर देता हूँ। जो ब्रांड देख रहे हैं आप, इस कंपनी का सारा में वॉल कॉक इसी आता है, लॉक सिस्टम ज़्यादा होता है इस ब्रांड में। तो हम इसको पूरा साफ करके फिर लगाते हैं। सीट में पानी गिरने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी के वजह कमी के वजह से गिरता है। वॉल कॉक में जैसे आपने देखा था अभी कि बॉल कॉक के ऊपर से पानी जा रहा था, ना कि साफ करके। तो हम इस बॉल कॉक को ये जो है क्लीन करते हैं। अब जो मेरे को लग रहा है इस तरीके से साफ हो रहा है। जो आप देख रहे हैं ये लॉक है, जब आप दबा देंगे तो वो बॉल कॉक की जगह पे फिट हो जाएगा। इसको इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो ये खींच के निकल जाता है। जब बॉल कॉक इस तरीके से काम
काम करता है। ये क्या हो रहा था इस जगह पे खाए पान की मिट्टी वजह से ये इस नहीं बैठा था। तो ये जो मेरे को ये तो अब बैठेगा जितना जैसे आप ये देख रहे हैं हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये पूरा साफ हो गया तो इसको हम क्रॉस करके ही डालेंगे क्योंकि सीधा डालने से ये बॉल अंदर जाएगा नहीं। इसको फिट करना आसान है आप इसको इस तरीके से अंदर तब पुश करेंगे और इसको दाब देंगे। अब वेट करते हैं कि पानी ऊपर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको हम भरने देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो है पानी अब ये बंद हो जाएगा। ये तीन दिन में क्या आ रहा है? अब जो है ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, देख रहे हो पानी काफ़ी नीचे ही बंद हो गया है। तो इस तरीके से आप इसका बॉल को आप ये देख सकते हैं। ये अब पानी नहीं आ रहा है और आप ये देखें कितना बॉल को सही टाइम पे बंद हो रहा है। तो इस तरीके से आप बॉल को रिपेयरिंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।